Inspired School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू में एक बार फिर सतर्क जम्मू पुलिस ने आतंकी वारदात की साजिश को नाकाम कर दिया है। जम्मू जिले के बाहरी क्षेत्र पुरमंडल मोड़ पर एक ट्रक से पिस्टल और दो ग्रेनेड के साथ ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये जखीरा पाकिस्तानी ड्रोन से गिराया गया था और इसे कश्मीर ले जाया जा रहा था। वहीं SSP जम्मू चंदन कोहली ने कहा कि सरहद पार से हथियार और गोला बारूद की तस्करी की पुख्ता सूचना के बाद सभी नाके अलर्ट पर थे और चेकिंग के दौरान इससे ये हथगोले व पिस्टल बरामद किए गए। पुलिस ने पकड़े गए ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ जारी की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी शिक्षण संस्थान 31 जुलाई 2021 तक बंद रहेंगे। सरकार ने कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के बाद 16 जिलों में कुछ और छूट देने का फैसला किया है। रेस्टोरेंट, जिम, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बार 50% क्षमता के साथ सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक खुले रहेंगे। कश्मीर घाटी में राय शुमारी, स्वायत्तता, सेल्फ रूल और अब 370 की पुनर्बहाली की पॉलिटिक्स अब थमती जा रही है। जिस आम कश्मीरी के लिए नारा लग रहा है वो अब इससे दफन कर चुका है। आज वो इसका जिक्र तक नहीं करना चाहता, अगर कोई करे तो उसका गुस्सा फूटता है। वो कहता है कि बस चैन से रहने दो, हमें आगे बढ़ने दो। कश्मीर बदल चुका है, लोग शांति तरक्की चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। प्रसिद्ध डल झील के किनारे शांत माहौल में टहलते हुए जगह जगह लहरा रहे तिरंगे देखकर महसूस किया जा सकता है कि वो दिन लद गए जब हिंदुस्तान का नाम सुनकर या तिरंगे को देखकर राष्ट्र विरोधी हंगामा खड़ा कर देते थे। जम्मू एंड कश्मीर रहबरे तालीम टीचर्स फोरम जोन वैलूम ने जिला अनंतनाग के दांडीपुरा कोकरनाग में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कोकरनाग व आसपास के क्षेत्रों के शिक्षकों ने भाग लिया। वहीं शिक्षा विभाग में RET शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए फोरम के अध्यक्ष FA तांत्रे ने कहा कि वर्तमान में कोविड लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन और कम्युनिटी क्लासेस प्रदान करने के अलावा RET शिक्षकों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जम्मू में बीती रात से ही भारी बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। जहां ये बारिश का मौसम कईयों के लिए सुहाना बना, तो दूसरी तरफ कई क्षेत्रों और लोगों के लिए ये बारिश मुसीबत का पहाड़ लेकर आई है। इसी क्रम में जम्मू के कालका कॉलोनी में 3 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया, दीवारें तोड़कर पानी अंदर पहुंच गया और लाखों का नुकसान हो गया। लोगों ने मांग की कि कलवट बनाने के बाद भी पानी नहीं रुका, हमें नुकसान का मुआवजा दिया जाए। कुछ ही घंटों की बारिश ने जम्मू व आसपास के इलाकों में तबाही ला दी है। नदी नाले उफान पर है, यहाँ तक कि गांधीनगर जैसी पॉश कॉलोनी भी इससे अछूती नहीं रह पाई है। बरसात का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया, सड़क नदी में तब्दील हो गई, परंतु कोई प्रशासनिक अधिकारी कहीं भी मौजूद नहीं। लोगों ने उन्हीं के रहमो करम पर छोड़ दिया है। कस्बा अखनूर की पंचायत जमोटिया में ऑल इंडिया पंचायत परिषद के एक्टिव प्रेसिडेंट द्वारा युवाओं के लिए खेलों का सामान दिया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया पंचायत परिषद ने अपने योगदान से महिलाओं के लिए एक सिलाई सेंटर भी खोला है। जम्मू कश्मीर में 45 साल से अधिक आयु वर्ग में 100% टीकाकरण करने वाले जिलों की संख्या 12 हो गई है। अनंतनाग जिले ने भी इस आयु वर्ग में 100% टीकाकरण करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में 45 साल से अधिक आयु वर्ग में कुल 97.95% टीकाकरण हुआ है। सोमवार सुबह करीब आधे घंटे के लिए हुई भारी बारिश ने शहर में तबाही मचा दी। निचले क्षेत्रों की गलियों ने नालों और नदियों का रूप ले लिया और लोगों के घरों में कई कई फीट पानी भर जाने से उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस बारिश ने जम्मू नगर निगम के बरसात के निपटने के सारे दावों को धो डाला है। शहर के अधिकतर नाले ओवरफ्लो हो गए। शहर के पॉश गांधीनगर, त्रिकुटा नगर में पानी ने तांडव मचा दिया, लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। बिजली के उपकरण खराब हो गए, घरों में रखा राशन पानी भी बर्बाद हो गया।
शहर के तकरीबन हर हिस्से में यही हाल है।